नमस्कार दोस्तों, मैं सहजवीर संधु आपका सुबह सवेरे एक पहेली में स्वागत करती हूँ, जिसपे कि हम आपके लिए रोज एक नई पहेली और जीत का क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारी कल की पहेली थी, दो अक्षर का नाम है, रहता हरदम जुखाम है, कागज मेरा रुमाल है, बताओ मेरा क्या नाम है। और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है पेन, क्योंकि पेन में सिर्फ दो ही अक्षरों का इस्तेमाल होता है, प और न। और जब भी हम पेन से लिखते हैं तो उसके अंदर से इंक निकलती है, जिसे कि यहाँ पर जुखाम बताया गया है, और इसका रुमाल बताया गया है कागज को, क्योंकि हम पेन से तो कागज पर ही लिखते हैं, यानी कि पेपर पर। और दोस्तों, हमारा कल का जीक का क्वेश्चन था, भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट का नाम बताइए जो कि चांद पर गई हो, यानी कि स्पेस में भी गई हो। और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है, भारत की पहली महिला का नाम है जो कि चांद पर यानी कि स्पेस में गई, वो है कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 14 मार्च 1962 में करनाल यानी कि हरियाणा इंडिया में हुआ, और उनकी डेथ 1 फरवरी 2003 में हुई, जबकि उनकी एज 40 इयर्स थी मात्र। कल्पना चावला एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट के साथ एक इंडियन अमेरिकन इंजीनियर भी थी, और इसके साथ वो भारत की पहली महिला थी जो कि स्पेस में गई। उन्होंने अपनी पहली उड़ान स्पेस शटल कोलंबिया 1997 में भरी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी सेकंड फ्लाइट यानी कि सेकंड उड़ान, जो कि उनकी आखिरी उड़ान के नाम से भी जाना जाता है, वो उन्होंने STS-107 में यानी कि स्पेस शटल कोलंबिया इन 2003 में भरी थी। कल्पना चावला की डेथ कुछ इस प्रकार हुई थी, जब स्पेस क्राफ्ट री एंटर करने वाला था अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तब किसी कारणवश स्पेस क्राफ्ट में डिजास्टर हो गया था, इसीलिए कल्पना चावला और उनके साथ जो 6 और मेंबर थे वो नहीं बच पाए। इसके साथ कल्पना चावला ने अपनी सेकंड उड़ान के तहत 31 days, 14 hours and 52 minutes स्पेस में बिताए थे, और इसके साथ उन्होंने 80 से भी ज़्यादा यानी 80 प्लस एक्सपेरिमेंट किए थे जब वो सेकंड स्पेस मिशन के लिए गई थी। और दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया है लगभग सभी ने। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा आज का जीक का क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा आज का जीक का क्वेश्चन है, इंडिया में कोल्ड डेजर्ट के नाम से कौन सा स्टेट प्रसिद्ध है और किस लिए। तो इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी आज की पहेली। तो दोस्तों, हमारी आज की पहेली है, ऐसी सब्जी का नाम बताओ जिसका पहला अक्षर काट दिया जाए तो बेशकीमती आभूषण बने, अंतिम अक्षर काट दिया जाए तो मीठा व्यंजन बने, और अगर पहला और आखिरी अक्षर काट दिया जाए तो एक युवती का नाम बने। ऐसी सब्जी का नाम बताओ जिसका पहला अक्षर काट दिया जाए तो बेशकीमती आभूषण बने, अंतिम अक्षर काट दिया जाए तो मीठा व्यंजन बने, और अगर पहला और आखिरी अक्षर काट दिया जाए तो एक युवती का नाम बने। तो इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में।